नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे उबले अंडे खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान। तो दोस्तों, अगर जो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं हर रोज एक हेल्थ से रिलेटेड नया टिप्स। दोस्तों, अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 और डी के कोलिन से भरपूर होने की वजह से अंडा मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट आहार है। दोस्तों, यह आपकी मेमोरी को, संज्ञानात्मक शक्ति को भी सुधारता है। मस्तिष्क की उपयुक्त कार्यशीलता के लिए विटामिन B12 आवश्यक होता है। अनुसंधान में दिखाया गया है कि इस पोषक तत्व की कमी से मस्तिष्क में संकुचन हो सकता है, जो अल्जाइमर रोग का एक प्रमुख कारक है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मस्तिष्क की मात्रा में वृद्धि करने में मदद करते हैं। विटामिन डी भी मस्तिष्क के कार्य में सुधार लाता है। और हाँ दोस्तों, अंडे ऊर्जा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप अत्यधिक भोजन खाने से बच जाते हैं। यह आपके रक्त शर्करा में स्तर की वृद्धि नहीं करते हैं, और अंडे में मौजूद प्रोटीन आपको निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो आप अंडे को जरूर अपने आहार में शामिल करें, लेकिन आपको सिर्फ इसका सफ़ेद वाला भाग खाना है। दोस्तों, अंडा ल्यूटिन और जैक्सैथिन का एक अच्छा स्रोत है। दिखाया गया है कि यह कैरोटीनोइड धब्बेदार अधा पतन को रोकने और मोतियाबिंद विकसित करने के जोखिम को कम करने में अत्यधिक फायदेमंद है। दोस्तों, ल्यूटिन हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर इसको सब्जियों की तुलना में अंडे से बेहतर अवशोषित करता है। अंडे मांसपेशियों के निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट भोजन माने जाते हैं। अंडे प्रोटीन में बहुत उच्च होते हैं। अंडे के सफ़ेद भाग में एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके शरीर में अधिक प्रोटीन अवशोषण को प्रोत्साहित करता है और मांसपेशियों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है। बेहतर मांसपेशियों के निर्माण के लिए कच्चे या हल्के पके हुए अंडे के सेवन को वर्जित करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया के उपस्थित के कारण यह भोजन को विषैला बना सकता है। और हाँ दोस्तों, अंडे को गर्भावस्था के दौरान खाने के लिए एक स्वास्थ्य भोजन माना जाता है। पर्याप्त पोषण प्रदान के अलावा अंडा जन्मजात बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम और बाद में जीवन के ग्रस्त होने के खतरे को कम करने में सहायता करता है। और दोस्तों, अंडों में उच्च मात्रा में फास्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम शामिल होते हैं। ये आपके हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए कैल्शियम अच्छा है। अंडा हड्डियों की वृद्धि तो प्रोत्साहित करता है, परंतु साथ में ही हड्डियों को बुढ़ापे में जकड़न में आने से भी बचाता है। फास्फोरस भी मजबूत हड्डियों को बढ़ावा देने के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है और उचित अस्थि घनत्व के लिए आवश्यक है। अंडे में विटामिन B12 समृद्ध होने के कारण आपके मूड को सुधारने और खासतौर पर तनाव को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें विटामिन B6 और फोलेट जैसे अन्य विटामिन बी भी शामिल होते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से अंडे का पीला भाग में दो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होते हैं। हालांकि अंडे को उबालने या फ्राई करने से इसके गुण का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, अंडों का उपभोग करने वाले लोगों में 24% कैंसर का खतरा कम हो जाता है। अंडे में निहित कालीन सामान्य कोशिकाओं को कार्यशीलता के लिए आवश्यक होता है, जो कोशिकाओं की गतिविधियों और प्रोत्साहित कर उन्हें कैंसर का शिकार बनने से बचाता है। तो दोस्तों, आज हम जान लिए हैं उबले अंडे खाने से हमको क्या क्या फायदे होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।